गोरखपुर के रहने वाले एक युवा इंजीनियर गौरव सिंह ने बुधवार को डिजिटल एप्स लॉन्च किया, जिसके संबंध में गौरव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर डिजिटल स्कैन एप्स का निर्माण किया गया है और यही एप्स चीनी कैम स्कैनर और एडोबी स्कैनर को डिजिटल स्कैनर को कड़ी टक्कर देगा। इस ऐप को उन सभी फीचर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसमें यूजर्स का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। यह फ्री ऐप में डॉक्यूमेंट, फोटो और पेपर का लाइव स्कैन एवं गैलरी से फाइल को इंपोर्ट करके स्कैनिंग की सुविधा प्रदान करता है और फाइलों को फोल्डर में व्यवस्थित करना, दस्तावेज साझा करना, पीडीएफ बनाना, फोल्डर्स का प्रबंधन करना आसान करता है और डिजिटल स्कैन के सारे फीचर्स डेवलप किया है जो इंडिया का है, जिसमें किसी भी बाहरी या विदेशी कंपनी की सहभागिता नहीं है। इसके खास फीचर्स हैं, यह ऐप पूरी तरह ऑफलाइन प्रक्रिया है, उपयोगकर्ताओं के लिए कोई पंजीकरण नहीं है और यह ऐप्स किसी भी उपयोगकर्ता के डेटा को संग्रहित नहीं करता और इसको प्ले स्टोर पर डिजिटल स्कैन लिखकर डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर गौरव सिंह ने कहा, गौरव सिंह, मैं गोरखपुर लोकल का ही हूँ। डिजिटल स्कैन सर, हमारा जो ऐप है वो एक इंडियन वर्जन कैम स्कैनर अल्टरनेट सॉल्यूशन है। इसमें आपको वो सारे कंप्लीट फीचर्स मिलेंगे जो आपको कैम स्कैनर में जो मिलता है, प्लस हमने जो ये ऐप डेवलप किया है ये कम्प्लीटली फ्री है, तो सारे जो हमारे यूज़र्स हैं वो हमारे लिए एक प्रीमियम यूज़र हैं। इसमें आपको स्मार्ट ऑटो एज डिटेक्शन डॉक्यूमेंट पर मिलेगा, प्लस आपको अनलिमिटेड आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं और इसमें इसके अलावा आप इसको जब आप यूज़ करेंगे तो इसका जो यूज़र इंटरफेस जो हमने डेवलप किया है वो बहुत ही इजी और बहुत ही कंपैटिबल है, जो कि सारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए वो अच्छा काम करता है। बाकी सॉफ्टवेयर में डाटा हैक होने का? यस नहीं, हमने टेस्ट किया है तो ऐसा कुछ अभी इशू नहीं मिला है और हमारे यूज़र्स की रेटिंग भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है और हम यही चाह रहे हैं कि हमें कम से कम जो हमारे इंडियन यूज़र्स हैं वो हमें सपोर्ट करें, उसको डाउनलोड करें और उसको अच्छी रेटिंग दें। ये इसको कहाँ से डाउनलोड करें, क्या प्ले स्टोर पे है? आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, डिजिटल स्कैन सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन अभी चूँकि नया है प्ले स्टोर में तो आपको वहाँ पे एक न्यू बटन मिलेगा, तो वो न्यू बटन जो है वो न्यू ऐप्स के लिए होता है, तो जब आप न्यू बटन क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा।